हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की शुरुआत करने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। पहला मुकाबला इंडिया ने जीता था, बहुत ही वन साइडेड मैच रहा था। उम्मीद करते हैं दूसरा मुकाबला हमें ज्यादा कॉम्पिटेटिव देखने को मिलेगा। तो मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, जरूर से वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और भाई, वो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको 11 विकेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको 11 विकेट्स का डाउनलोड लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करने का आप सीधा ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने का प्रोसेस में भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ पर साइनअप कीजिए। आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको आपका यूजर नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी यूजर नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, रेफरल कोड आप डालिए, रेफरल कोड ऑप्शनल है। फिर आप उसके बाद इनकी टर्म्स और कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कीजिए और फिर आपका 11 विकेट्स का अकाउंट रेडी है। यहाँ पे आपको क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के मैचेस देखने को मिलता है। क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ पे सारे मैचेस अवेलेबल होते हैं, तो आपको जिस भी मैच की नॉलेज है तो उस मैच को सिलेक्ट कीजिए और उस मैच में अपनी नॉलेज की मदद से एक बढ़िया टीम बनाइए। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और कॉन्टेस्ट को जीतकर पैसे कमाइए। डिपॉजिट करने के लिए आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो अमाउंट एंटर करना है जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। उस अमाउंट को एंटर कीजिए और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। इस वीडियो में आपको पेटीएम के जरिए डिपॉजिट कैसे करना है वो बताऊंगा। तो पेटीएम के ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है, फिर ऐड पर क्लिक कीजिए और फिर आपको यहाँ पे आपका पेटीएम नंबर एंटर करना पड़ेगा और फिर अपने पेटीएम नंबर एंटर करने के बाद अपने पेटीएम से यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉल के लिए यहाँ पे आपको बैंक, पेटीएम और अमेजन पे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर क्रिकेट फैन है तो आप क्रिकेट मैचेस देखते होंगे, एंजॉय करते होंगे, पर आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज की मदद से पैसे भी जीत सकते हो। 11 विकेट सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कम कंपटीशन है, आपके जीतने के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी अभी एकदम लेटेस्ट में खबर आई है कि जसप्रीत बुमराह हो चुके हैं टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। उनके बैक का कुछ इशू था, बैक में निगल था। हालांकि शुरुआत में लगा था कि उतना बड़ा इशू नहीं है, एक दो मैचेस मिस करेंगे, शायद ये पूरी सीरीज मिस करेंगे, पर उसके बाद वर्ल्ड कप में वो जो है वापसी उनकी होगी, ये उम्मीद लगाई जा रही थी। पर अब रिपोर्ट आई है कि वो इंजर्ड है, वो वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं होंगे। तो ऐसे में टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक में आप कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो बाहर हो चुका है। पर फिर भी पिछले मैच में टीम इंडिया के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बिल्कुल नेस्तनाबूत पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम को कर दिया था। हालांकि साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर सर्वाइव किए थे, पर फिर भी फर्स्ट इनिंग के बाद ही पता चल चुका था कि टीम इंडिया मुकाबला जीत चुकी है। शुरुआत के 6 ओवर में ही पता चल चुका था कि टीम इंडिया पहला टी20 मुकाबला जीत चुकी है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले टी20 के वीडियो में बताया था कि तिरुवनंतपुरम की पिच बहुत ज्यादा बॉलर फ्रेंडली है, फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों को ही मदद मिलती है। टीम इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने स्पेशली दीपक चहर, हर्षदीप सिंह, दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग की। दीपक चहर क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं तो उनका टीम में खेलने का तो चांस ही है, स्टार्टिंग प्लेइंग 11 का भी वो हिस्सा होंगे। अगर ऐसे ही बॉलिंग कंटिन्यू करते तो फिर तो टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को वैसे रिप्लेस करना आसान काम नहीं होगा। शुरुआत हो, डेथ ओवर हो, मिडिल ओवर हो, कोई भी गेम का पार्ट हो, उसमें जसप्रीत बुमराह मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है। पिछले मैच में टीम इंडिया के लिए बॉलिंग में हीरो रहे थे हर्षदीप सिंह। दीपक चहर ने भी शुरुआत में बढ़िया बॉलिंग की थी, उन्हें 2 विकेट मिले, हर्षदीप सिंह को 3 विकेट मिले, हर्षल पटेल को 2 विकेट मिले, अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला, अश्विन को विकेट नहीं मिला, पर उनका स्पेल काफी इकोनॉमिकल था। इसके अलावा बैटिंग में टीम इंडिया के सामने टारगेट बहुत ज्यादा छोटा था, पर शुरुआत में रोहित और कोहली के देखा जाए जल्दी आउट हो गए थे, थोड़ा सा टीम इंडिया प्रेशर में शायद आई थी। पर केएल राहुल धीमे धीमे खेल रहे थे, कंडीशन के हिसाब से खेल रहे थे, बढ़िया उनकी पारी थी। सूर्य कुमार यादव लग रहा था किसी अलग ही ग्राउंड पे खेल रहे हैं, जिस पिच पे ऊपर सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे उस पिच के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने एक प्रॉपर टी20 इनिंग खेली और टीम इंडिया एंड में कंफर्टेबली मुकाबला जीत गई। साउथ अफ्रीकन टीम की बात की जाए तो एडन मार्करम को छोड़ते तो बैटिंग में दूसरा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। शुरुआत में बॉलर्स को मदद मिल रही थी, बॉल ज्यादा मूव कर रहा था तो बैटिंग करना आसान नहीं होने वाला था, पर फिर भी साउथ अफ्रीका का कोलैप्स कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल था बैटिंग में। उसके बाद वेन पार्नर और केशव महाराज ने जरूर टीम को 20 ओवर तक सर्वाइव कराया, दोनों ने अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से टीम ऑल आउट नहीं हुई, टीम ने 20 के 20 ओवर सर्वाइव किया। हालांकि फिर भी साउथ अफ्रीकन टीम इतनी बुरी नहीं है, पिछले मैच में आप कह सकते हैं उनका ऑफ डे था, इतना भी इनका बैटिंग ऑर्डर बुरा नहीं है और इस मैच मुझे लग रहा है कि ये टीम कमबैक भी कर सकती है। ये मैच वैसे कल चलने वाला है गुवाहाटी में, यहाँ पे भी ज्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेली गई है। डोमेस्टिक मैचेस में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी जनरली बॉलर्स को ही मदद मिलती है, शुरुआत में यहाँ पे भी फास्ट बॉलर्स के लिए मूवमेंट रहेगी, इसके पूरे पूरे चांसेस है। तो इस मैच में भी शुरुआत में विकेट गिरने का पूरा पूरा चांस रहेगा, पावर प्ले में इस मैच में भी ज्यादा रन नहीं बनेंगे। टॉस इस मैच में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि शुरुआत की जो पहली इनिंग होगी उसके 6 ओवर में बहुत ज्यादा बॉलर्स को मूवमेंट मिलेगा। तो ऐसे में इस मैच में भी जो भी टीम टॉस जीतेगी उसे पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी वही शायद ये मुकाबला भी जीत जाए। जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके इस मैच को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो ये तो जैसे मैंने बताया जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। पर फिर भी मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ जा रहा हूँ। साउथ अफ्रीकन टीम ने पहले मैच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाया, पर उतनी बुरी टीम नहीं है। बैटिंग हो बॉलिंग हो दोनों डिपार्टमेंट में उनके पास अच्छे खिलाड़ी है। पिछले मैच में बल्लेबाजों का दिन बुरा रहा था, पर इस मैच मुझे लग रहा है ये टीम कमबैक कर सकती है। बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग है, एक मैच बुरा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खिलाड़ी बुरे हैं। अच्छी टीम है और मुझे लग रहा है इस मैच में कमबैक करेंगे। तो यह मेरा प्रेडिक्शन, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ना भूले। जय हिंद।